नमस्ते दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं पूरा अभी इधर उधर सब चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। ये मेरा बैग और ये भी एक बैग है जिसको मैं कैरी करूँगा। आपको बता दूँ, मैं निकल रहा हूँ मैं कल अपने 4 दिन के ट्रिप में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या प्रिकॉशन ले रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इस टाइम पे कोविड के टाइम पे मैं निकल रहा हूँ, पक चुका था मैं रहते रहते, अब मैं निकल रहा हूँ। तो क्या क्या मैं बताता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आते हैं कुछ एक्सेसरीज के ऊपर। ये जो देख रहे हैं मेरा एक घड़ी है, मैं अभी तक पहना भी नहीं हूँ, ठीक ना। एक घड़ी है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। एक घड़ी है, ठीक है, ठीक है। एक से इसको मुझे घड़ी का बहुत शौक है, घड़ी और सनग्लास का। ये भी एक घड़ी है, ठीक। एक घड़ी, ये भी एक घड़ी है, ठीक। और ये भी पता है, ये मैं रफ्यूज में पहनते रहता हूँ ये वाला चीज। ये घड़ी मैं रफ्यूज में पहनते रहता हूँ। और देखिए, ये भी एक घड़ी है, मैं भी कभी कभी पहनता हूँ, ठीक है। तो ये 4 घड़ी है टोटल अभी फिलहाल मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा कैरी करूँ, इसमें से, ठीक है। आई होप ये अच्छा रहेगा, रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ लुक है इसमें, अच्छा रहेगा इसको कैरी करने के लिए। तो आई होप इसको ध्यान में रखते हुए ये मैं कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं पहना भी नहीं हूँ अभी तक इसको, इसको मैं कैरी करूंगा सोच रहा हूँ इस ट्रिप पे, ठीक है। तो घड़ी तो शॉर्ट आउट हो गई, मैं कैरी कौन सा करूंगा। ये कुछ डेनवर का परफ्यूम है, आपको पता ही है, डिओड्रेंट का परफ्यूम। और एक पॉकेट मैं कैरी कर रहा हूँ, हमेशा रखता हूँ। कुछ सनग्लासेस जो मुझे हमेशा ही पसंद आते हैं और मैं कैरी करना पसंद करता हूँ इसको। ये मेरे ग्लासेस हैं और ये अलग शेड के हैं, बिकॉज ब्लैक हमेशा अच्छा नहीं लगता है कैरी करना। तो ये अलग शेड के सनग्लासेस, शायद ये वीडियो अनबॉक्सिंग में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ना। ये सनग्लासेस है, तो ये दोनों सन जो ग्लास है ये मैं कैरी करने वाला हूँ। तो ये तो कुछ एक्सेसरीज का बात मैंने कर लिया है ना, ये तो मैं कुछ एक्सेसरीज का बात कर दिया। मैं इतना कैरी नहीं करूँगा, मैं बस ये वॉच कैरी करूँगा, ये दो सनग्लासेस कैरी करूँगा और ये परफ्यूम मैं कैरी करूँगा, ठीक है। और ये पॉकेट परफ्यूम मैं कैरी करूँगा, बस इतना सा मैं कैरी करूँगा। वो सारा चीज़ मैं निकाला दिखाने के लिए कि इनमें से कौन कौन सा मैं ले जा रहा हूँ, बस ये चीज़। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये डेनवर का परफ्यूम, ये घड़ी मैं कैरी करूँगा, ये दो सनग्लासेस हैं, ठीक है। इतना ही मैं कैरी करूँगा, ये सब मैं नहीं कैरी करने वाला। तो ये तो शॉर्ट आउट हो गया। अब आते हैं ड्रेस पे, बिकॉज जा रहा हूँ उसके बाद तो कुछ तो फोटोशूट तो होना चाहिए। तो मैं ये जीन्स कैरी कर रहा हूँ जिसमें एक जॉगर है और 2 स्वेटशर्ट है, देख पा रहे हैं आप लोग शायद। एक ऑलिव कलर, एक वाइट कलर का, वाइट एंड ब्लैक में। ऑलिव मेरा बहुत सारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ऑलिव में बहुत पहनता हूँ। शर्ट बोलिए, ये मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन मिंत्रा से, हार्वर्ड का है, अच्छा है क्वालिटी। तो ये 2 स्वेटशर्ट है जिसको मैं कैरी कर रहा हूँ। और कपड़े में ये भी एक स्वेटशर्ट है ना, बेनिंगटन का, ये भी अच्छा है, बहुत लाइट है, बहुत ही पतला है, हल्का ठंडा के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, एक H&M का ये फुल टी शर्ट है, वाइट टी शर्ट, वाइट भी कलर मुझे बहुत फेवरेट है H&M का, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। कुर्ता है, देखिए फिर से वाइट कलर का है शर्ट, और ये ब्लू कलर का शर्ट है, और एक ये फिर से वाइट कलर का शर्ट। तो ये कुछ कपड़े हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ, बिकॉज इतना दिन बाद जा रहा हूँ तो फोटोशूट तो बनता है, अच्छे अच्छे पिक लूँगा, अच्छा फील होगा, है ना। तो ये तो मुझे कपड़े का हो गया। और यहाँ पे कुछ और है, कुछ इनर्स है, मफलर है मेरा, इनर्स है, बस ये कुछ कपड़े हैं, ठीक है। और मास्क तो एकदम मस्त चाहिए हमको मास्क। तो ये कुछ और कपड़े हो गए, ये हो गया रुमाल, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेसरीज के ऊपर, मैं क्या क्या एक्सेसरीज कैरी कर रहा हूँ फिलहाल। ये माइक,
देख रहे हैं बोया का माइक है, ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये जो देख रहे हैं ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें मैं अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। ये कार्ड रीडर कम USB पोर्ट है ना, मैंने ये बहुत खरीदा था, ये बहुत काम का चीज़ है जर्नी के टाइम पे। ये मोबाइल चार्जर है, ये मेरा मीवी का M20 जो है ईयरपॉड है, ठीक है। ये मेरा है आपका पावर बैंक, छोटा सा पेन ड्राइव में कैरी कर रहा हूँ, छोटा है लेकिन अच्छा सा मेमोरी है इसमें, 32 GB का है, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, 32 GB का ये। और ये मेरा एक्शन कैमरा, आप लोगों ने देखा ही होगा अनबॉक्सिंग में, SJ 4000 एक्शन कैमरा, ठीक है। और ये इसका कुछ एक्सेसरीज है, ये कुछ केबल, ये तो मेरा हो गया एक्स जो मैं कैरी करूँगा, जो मुझे शूट करते वक्त थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। मोबाइल तो है ही जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है दवाई, बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आप कुछ कैरी नहीं करेंगे दवाई तो दिक्कत हो सकता है, तो मेडिसिन कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले यह कफ सिरप है, जो कि आज के टाइम पे सर्दी खांसी वेदर चेंज हो रहा है लग ही सकता है, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। कुछ विटामिन सी की गोली है टैबलेट्स, ये हेल्प करेगा। ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स में कैरी कर रहा हूँ। कुछ डाइजिन है, एंटासिड डाइजेशन में हेल्प करेगा, और भी कुछ टैबलेट्स है ये, ठीक है। ये कुछ टैबलेट्स है जो मैं कैरी करने वाला हूँ कुछ मेडिसिन के तौर पे, बेसिक सा मेडिसिन है, ठीक है, अपने साथ रखता हूँ जो मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारा कैरी है, ये मेरा बैग है जो मैं हमेशा अपने साथ पास रखूँगा, ठीक है ना। ये बैग जो है ये हमेशा मैं अपने पास रखूँगा, ठीक है, और इसमें अपना सारा कपड़ा मैं डाल दूँगा, ठीक है, बिकॉज ये घूमते वक्त ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो इसको कैरी करूँगा और इसमें कपड़ा मेरा रहेगा और बाकी सारा चीज़ रहेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, वो क्या है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या आता है कि आप जो जर्नी कर रहे हैं तो कितना पैसा कैरी करें, है ना, जितना बजट है उससे उतना ही कैरी करके ले जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो मेरा तो ये मानना है कि मान लीजिए आपका बजट 5000 है तो एटलीस्ट आप 8-9000 कैरी कीजिए, बिकॉज अभी का टाइम है, कोविड का टाइम है, कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ज़्यादा कैरी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम अगर 5000 का बजट है आपका ट्रिप का, तो मिनिमम 8-9000 तो आपको कैरी करना ही चाहिए, ठीक है। तो बजट जो है, बिकॉज इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपना बजट आप ठीक से कैरी करें और एक जगह में ना रखें, अलग अलग जगह पे आप कैरी करें उसको, साथ में कार्ड है ही, और मिनिमम जहां तक हो सके ऑनलाइन पे करें, क्रेडिट कार्ड है तो उसका इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड है तो उसका इस्तेमाल करें, जहां जहां हो सकता है कैश का कम से कम इस्तेमाल करें, कैश को अपने पास हमेशा मौजूद रखें, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी बात है, कैश को अपने पास हमेशा रखें, और जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट करें, जहाँ पे भी होटल में रुक रहे हैं या कहीं और रुक रहे हैं, कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं तो हमेशा कार्ड का इस्तेमाल करें, इससे कैश क्या होगा आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, वो कभी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो वहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान आप रखना तो ट्रैवल में बहुत अच्छा होगा। आई होप आप लोग को मज़ा आएगा, मैं अपना जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ होगा मैं शेयर करूँगा। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा मेरा ये प्रिपरेशन वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल थ्रस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग का दिन अच्छा गुजरे, और सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू।